अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियन, क्या हाल आपका? उम्मीद है पिछला हफ्ता बड़ा ट्रिकी किस्म का होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर अप्स एंड डाउन्स आएंगे, फ़ायदे भी उठाए होंगे। और अरशद भट्टी साहब का तो मुझे फ़ोन ही नहीं आया, इसलिए वो ज़रूर कहीं ना कहीं फंसे होंगे कहीं ना कहीं इसी मसले में, क्योंकि वो सेजिटेरियस का सुनते ही प्रोग्राम और एक बड़े अच्छे एंकर हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, वो भी सेजिटेरियन है और वो भी बड़े शौक से ये प्रोग्राम एंकर है, बहुत बढ़िया एंकर है, बड़े शौक से प्रोग्राम सुनती हूँ। जैसे ही प्रोग्राम सुनेंगी ना मुझे फ़ोन करेंगी तो कहेंगे यजमान साहब ये आपने बात नेगेटिव कर दी, ये तो मैं तो परेशान हो गई। तो परेशान नहीं होना, जब ये आपको कोई नेगेटिव बात सुनने को मिलती तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने मुझे कॉशियस कर दिया, अल्लाह ताला ने सबब बनाया किसी के ज़रिए मुझे बता दिया, ये सारी मिन जानम अल्लाह। और सदकात क्या चीज़ है? सदकात तो इन चीज़ों को आप बचाते हैं आपको, यही तो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी आपकी कह लें कि एक अल्लाह ताला ने रखी हुई खिड़की जहाँ से आपको मदद करके आपको निकाल लेते हैं। डेस्टिनी को सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं चेंज करना, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई दूसरा, कोई बंदा आपकी कहे ना कि मैं ये चिल्ला कर देता हूँ ये करता, तो कोई बंदा नहीं चेंज करता था सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात और अल्लाह के बताए हुए सदकात। एनी हो, ये सेजिटेरियन ये हफ्ते का स्टार्ट बहुत अच्छा होगा, आपको आपको बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ मिली होंगी संडे को, और संडे आपकी नींद बड़ी पूरी हुई होगी, सो के गुजारा होगा, और जैसे ही आप दफ्तर जाएंगे या अपने काम पे जाएंगे तो जाते ही आप मसरूफ़ हो जाएंगे और बड़ा पॉजिटिव होकर काम करेंगे उस दिन आपका, क्योंकि छठा घर आपका बड़ा एक्टिव होगा, तो छठे घर में आप काम करते नज़र आए। यहाँ पे आपको हर तरफ छठा घर जो तो बैड हाउस है, लेकिन यहाँ पे आपको उस दिन फ़ायदे मिलते नज़र आ रहे हैं। क्या फ़ायदे मिलते हैं? बड़ी सर्विस मैटर में आपको बड़ा बूस्ट मिल जाएगा, आपका बॉस आपको अप्रिशिएट करेगा, रिलेशनशिप में इजाफा होगा, आपकी मामे चाचे अंकल ये सारे आपको उनकी तरफ से भी आपको अच्छी खबरें मिलेंगी, और एनिमी ऑफ इम्यूनिटी जिसमें आपके लस्ट एंगर और ग्रीड एरोगेंस आता है इससे निजात मिल जाएगी, लॉस इन इन्वेस्टमेंट ये अगर कोई हुआ तो वो रिकवर हो जाएगा, तो मार्शल प्रॉस्पेरिटी बाय द डिपार्टमेंट वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर, क्योंकि पार्टनर का भी दो है तो यहाँ पार्टनर आपका ख़र्चा करता नज़र आ रहा है, उसको ज़रा कंट्रोल कीजिएगा, नए नए पैसे आए होंगे वो सारे आपकी तनख्वाह को उजाड़ने की कोशिश करेगा, उसको ज़रा थोड़े से थोड़े थोड़े करके पैसे दीजिएगा या कंट्रोल कीजिएगा। अच्छा, अगर कोई आपका ज़ख़म है या बीमार है वो ठीक होता नज़र आ रहा है, सिकनेस आपकी दूर हो जाएगी, कोई ऑब्स्टेकल दूर हो जाएगी उस दिन आपकी, कोई कैद से या रहाई हो जाएगी, अगर ट्रांसफ़र हुई है तो बड़ी अच्छी जगह पे खुशी से आप जाएंगे, तो कोई अगर आपको सज़ा मिली या कोई कुछ ऐसे तो उसके उसमें तख़फीफ़ हो जाएगी, हॉस्पिटल से जान छूट जाएगी, तो ये उस दिन आपका यानी कि बड़ा अच्छा आपका होगा और शाम को आप बड़े खुश खुश जाएंगे। अब आ जाएँ तीन और चार को, मून आपके सातवें घर में राहु के साथ, यहाँ पे आप बड़ा दो किस्म का माहौल होगा, यहाँ पे आप ज़रा गौर से सुनिएगा। सातवां घर मोहब्बत का है, आपके पार्टनर का है, आपके आपके स्पॉन्सरशिप का है, आपके आपका कारोबार की पार्टनरशिप का है, आपकी लव का है, तो यहाँ पे आप बहुत ही चलाकी का मज़ारा करते नज़र आ रहे हैं। अब सातवां घर, एक तो आप अपने आपके मिसेज़ के साथ या अपने स्पाउस के साथ डॉज करेंगे, बताएंगे कुछ करेंगे कुछ, तो स्पाउस जो है ना वो आपको वॉच कर रहा होगा, अगर वो आगे से वो भी सेजिटेरियन हुआ ना तो उसने आपको वैसे ही पकड़ लेना है, क्योंकि अच्छा उस दिन आप बड़ी अच्छी प्लानिंग करते हुए बताएँगे कुछ, मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, जाके डेट मार के आ जाएंगे, या घर में बैठे हैं तो बड़ी अच्छी टॉक करेंगे, लेकिन बड़ा यानी कि अच्छा अगर जिनकी ऑलरेडी मोहब्बत चल रही है अफेयर्स में तो उसको वो उसको तंग करेंगे आप, वो आप उसका फ़ोन नहीं सुनेंगे, उसको टेंशन देंगे आपको, या आप उसको फ़ोन करेंगे वो आपको टेंशन देगा, तो यहाँ पर आप एक दूसरे को डॉज देते नज़र आ रहे हैं, करेंगे कुछ दिखाएंगे कुछ। हाँ, वो लोग जो जिनकी बिज़नेस में पार्टनरशिप बहुत एक्टिव होंगे, बहुत तेज़ होंगे, वो मिलकर इतनी तेज़ी से प्लानिंग करेंगे, इतनी तेज़ी से काम करेंगे कि वो लोगों अपना रास्ता बनाते हुए किसी को इधर धक्का, इसको इधर धक्का, कोई रोनते हुए अपना बिज़नेस लेके वो शूट करेंगे।
और यहाँ पे अपना ना रिजल्ट्स ऑफ पार्टनरशिप जो होगी ना वहाँ पे, अच्छा ये एक चीज़ याद रखिएगा, अपने पार्टनर पे शक नहीं करना उस दिन, आप अपने पार्टनर पे शक करेंगे, बिजनेस पार्टनर पे भी और अपने स्पाउस पे भी और अपने लाभ, उस पे शक की नज़र से देखेंगे और फिर उसको जली कटी सुना के ना उसको नाराज़ करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप उस दिन थोड़ा सा अपने दिमाग को कंट्रोल किया तो आपको फ़ायदा पहुँचेगा, ना कि आप यू विल लूज़ योर पार्टनर इन बिजनेस एज वेल एज इन लव लाइफ। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अपने स्पाउस को भी आपने शक करना, अपने स्पाउस के साथ भी शक करते नज़र आ रहे हैं और फिर स्पाउस का जो आगे से रिस्पॉन्स आना है ना वो उससे चार गुना डिजन होना है, ठीक है। उस दिन आपके दिमाग में वैसे ही शक करने की स्पेकुलेशन, अच्छा इसका आप अपने लव को फ़ोन करेंगे वो आगे से फ़ोन एंगेज मिलेगा, आपके दिमाग में एक अजीब और गरीब सनसनाहट सानी शुरू हो जाएगी, पता नहीं किससे बात कर रहा है, कर रही है, क्यों कर रही है, मेरा फ़ोन नहीं सुना। और फिर अगर वो फ़ोन अगर काफ़ी देर बाद फ़ोन सुना तो उसको बड़ी जली कटी सुनाएंगे, किसके साथ बात थी, किसी और के साथ चक्कर चल गया, ये वो, इस किस्म के काम आप इवन अपने अपने स्पाउस पे भी शक करेंगे उस दिन। तो ये फिर आपके हाथ में है कि आप उस दिन अपने आप को ख़राब ना कीजिए। यहाँ पे आपने बाज़ार से कोई चीज़ नहीं खानी, आपका मैदा ख़राब होता नज़र आ रहा है, आपको फूड पॉइजनिंग होती नज़र आ रही है, आपको पता है राहू वहाँ बैठा है, तो राहू जब वहाँ बैठता है ना तो आपको तो वो जहरीली चीज़ खा ली तो फूड पॉइजनिंग हो रही, फूड पॉइजन का मतलब फूड पॉइजनिंग के कोई ऐसी चीज़ खा, आप शादी ब्याह पे जाएं कभी सैलड ना खाएं, ये मैं आपको बता दूं। और इस किस्म का कोई उस दिन जिस्मानी मशक्कत निकलनी, प्रेग्नेंट खवातीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल और कोई ऐसा काम नहीं करना, यहाँ पे आपको गायनी प्रॉब्लम बहुत तंग करेंगे, फौरन डॉक्टर को दिखाइएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जिससे आपका आपका गायनी या मैदे का प्रॉब्लम है, गली सड़ी कोई फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ खा लेंगे जिससे वो आपको काम आपका आ जाएगा, सिगरेट वाले एरिए से दूर रहना आपने, वो आपको तंग करेगा, बाहर नहीं निकलना, स्मॉग आपको तंग करेगी, मैंने एक प्रोग्राम स्मॉग का अपने चैनल रहीम चैनल पे चढ़ाया, वो ज़रूर सुनना है आपने, उस पर नीचे लिंक दिया हुआ है, वो अगले 3 महीने आपके लिए एक गाइडलाइन होगी, क्योंकि मैंने मेरी बड़ी रिसर्च है स्मॉग पे, तो ये मैं अपने व्यूअर्स के लिए अपना एक मेरा एक दूसरा चैनल है रहीम न्यूज़ के नाम पे, उस पर मेरे ये एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज इस किस्म के जो टूरिज़म इस किस्म के प्रोग्राम आते हैं तो वो ज़रूर देखिएगा, उसको सब्सक्राइब भी किया, वहाँ पे आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहले मैं इसी चैनल पे काम करता था लेकिन फिर इसको मैंने सेपरेट कर दिया। अच्छा, कोई शार्प चीज़ें नहीं अपने अपने रखनी, आपने आपको अपने आप का ख्याल करना है, चुभने वाली चीज़ों से दूर रहना है, फैटल चीज़ों से दूर रहना है, और मैं आपने कोई मेडिसिन ऐसी बगैर डॉक्टर से पूछे नहीं खानी। यहाँ पे दूध का सदका कीजिएगा या सातों दालें मिला के तो वहाँ पे दीजिएगा। अब आगे आ जाए 5 और 6, आठवें घर में मून है, यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी अच्छी खबरें मिल जाएंगी, आठवां घर जो नुकसान लेकिन कोई ना कोई आपको आठवें घर में आपको कुछ फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है जिस पे आपको काफ़ी बूस्ट मिल जाएगा, काफ़ी आपको कह लें कि कोई आपका वीज़ा लग जाएगा या कोई आपको मिल जाएगी क्या कह रहे हैं कि ईमेल आ जाएगी जिससे आपको नेशनैलिटी या ग्रीन कार्ड की कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कोई बीमारी से भी दूर हो जाएगी, मिस्ट्री आप मख्फी रूम में बड़ी दिलचस्पी हो, अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। अच्छा, दिल बर्दाश्ता जो हुए हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और मिस्टिज़म में भी बड़ी दिलचस्पी होगी, कोई जायदाद का भी आपको हिस्सा मिल जाएगा, अच्छी खबर मिल जाएगी, विरसा में कोई आपको मिल जाए, गिफ्ट मिलेगा आपको, और यहाँ पे आपने स्पाउस की तरफ से भी पैसे आते नज़र आ रहे हैं। ये 2 दिन तो आपने फ़ायदा उठाना है, बड़ा खुश रहेंगे, अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी आपका, यहाँ पे अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिज़नेस बड़ा अच्छा चलेगा, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी फ़ायदा, अगर आप आपकी मिसेज जॉब करती है या आपका स्पाउस जॉब करता है तो उससे भी आपको पैसे मिल जाएंगे। 7-8 यहाँ पे आप रूहानियत में जाते नज़र आते हैं, कोई ऐसी जगह पे जाएंगे यहाँ पे आपको ख़त्म दिलवाएंगे या कोई नमाज़ें या कोई श्राइन का विज़िट करेंगे, नफल पढ़ेंगे और या किसी महफल में जाके वहाँ पे अल्लाह लोग वाला काम करेंगे,
छोटा सा कोई सफ़र भी आएगा, अच्छा यहाँ पे गैर मुल्की तुलबा ना वहाँ पे बड़ा गुफराई काम करेंगे और लोगों की मदद करके अपने यहाँ पे वो रूहानी तौर पे चार्ज होंगे। और आपको पता है नौवें घर में आपको मजहबी स्कॉलर जो होते हैं ना वो बड़े एक्टिव होके प्रीच करेंगे और बड़ा चैरिटी में काम करते नज़र आ रहे हैं। उस दिन आपकी मेडिटेशन बड़ी काम करेगी, गौरव फिक्र पे बड़ा जोर रहेगा और आपकी इंट्यूशन पावर इतनी तेज़ होगी कि आप पहले ही असेस कर लेंगे कि कुछ होने लगा है। पीएचडी हायर एजुकेशन के लोगों को बड़ी अच्छी खबर है, उनका थीसिस निकल जाएगा, उनका सुपरवाइज़र उनके हक में हो जाएगा और उनको अच्छी एक न्यूज़ मिलेगी। सो ये और फिर जो वीकेंड होगा ना ये इतना पुरसकून होगा कि आप अपनी नींद पूरी थकावट दूर करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप अपना अच्छा वो लोग जो इबादत में मसरूफ़ रहते हैं ज़्यादातर वो रूहानियत में बहुत जाएंगे और तहज्जुद वगैरह और ये इसमें अगर दूसरे मज़हब के हैं तो वो जाएंगे गिरजा में या अपने मंदिर में या किसी में और वहाँ पे बड़ा रूहानी तौर पे अपने आप को चार्ज करेंगे। सो अगर आप मेरा एक चैनल मैंने एक बनाया है रहीम न्यूज़ के नाम पे तो स्मॉग का प्रोग्राम उस पर ज़रूर देखिएगा, उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वो आपको अगले 3 महीने की गाइडलाइन भी प्रोवाइड करेगा। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।